एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये व्लॉग है दशा माता का। आप सबको दशा माता की बहुत बहुत बधाई, मीन्स सब लेडीज को, क्योंकि बहुत स्पेशल होता है ये पूजन का सबके लिए। और ये है छोटा सा व्लॉग जिसकी स्टार्टिंग होती है मेहंदी से, और कैसे क्या बन रहा है हमारे घर पे, हम कैसे कैसे बना रहे हैं मेहंदी, ये चीज से स्टार्टिंग है। सो कैसे हम पूजन करते हैं तब तक की, तो देखते रहिए व्लॉग और बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि आपको कंटिन्यू पता चले कि हमने कैसे कैसे क्या क्या किया है। सो लेट्स सी। दादी आओ जी के दांत बन गए। मौका ले रही हूँ। अरे यार मां, हाथ बस फंसी है ऊपर ही, ये वाली पत्ती सब एक जैसा फूल बचा है। अच्छा, गुलाब के फूल जैसी है। हाँ ये कल है दशा माता की पूजन, तो हमारी हो गई है प्रिपरेशन, जिसमें हमने बना दिए हैं हार मम्मी जी के और मेरे तो बनवाए हैं, और मम्मी जी मैंने थोड़ा बहुत बनाया है, सो वो बना रही हूँ। और अभी हमारे यहाँ पर रात को भी गीत गाते हैं, जैसे शीतला सप्तमी के दिन एक दिन पहले गाते हैं वैसे ही। हाँ चलो, तो हम वहीं जाना। तो यहाँ होती है मेरी मॉर्निंग, और ये है मेरा मॉर्निंग लुक कुछ ऐसा। साड़ी मैंने रेडी टू वियर वाली पहनी है, सो इसलिए, और मैं लगी हुई हूँ कामों में, मतलब कि झाड़ू पोछे करके फिर हम जाने वाले हैं मंदिर। सो मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर दिया, और अब मैं लगा रही हूँ फेस पाउडर। ये कि काफ़ी अच्छा फेस पाउडर है, ये मैं लेके आई हूँ मालियो का बनाना फ्लैम, बनाना का जो कि ऑयल कंट्रोल है, काफ़ी अच्छा है। ये मैंने अप्लाई किया ब्लश। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट तैयार हो गई हूँ, पर मेरे साथ एक चोट हो गई है जिसमें ये मैं पहनना ही है, और मैंने वेयर कर ली है साड़ी। सो अब मैं इसको पहनने वाली हूँ पटली की साइड से, साड़ी को वापस से खोल के पहनना तो पड़ेगा। मैं हो गई हूँ फुल्ली रेडी। कैसी लग रही हूँ मैं? बैकग्राउंड में जो वॉइस है उसको इग्नोर करें, क्योंकि दीपक जी सो रहे हैं। ये हो रहा है दशा माता की यहाँ पर धूप लगाने के लिए रेडी। देखते ही देखते 9 बजे समथिंग इतनी भीड़ हो गई है कि मतलब हम लोगों को भी महादेव जी की पूजा के लिए जब हम आए थे तब कोई भी नहीं था, और अभी इतनी भीड़ हो गई है कि हमारे को भी लाइन में लगना पड़ा। तो हमारी पूजन पूरी हुई और हम आ गए हैं घर, और घर पे आकर जैसे कि सब बनाते हैं स्वास्तिक घर के बाहर, वैसे ही आंटी जी और हम दोनों ने बनाया स्वास्तिक। और ये जो मैं स्वास्तिक बना रही हूँ उसके लिए, पिछले साल जो मैंने स्वास्तिक में बनाया था उसमें मेरे को बहुत बोला कि दीदी आपने गलत बनाया है, सो इस बार मैंने कैसे सही बनाया है ये ज़रूर बताना, और सही है मतलब मेरा जो बनाने का तरीका वो चीज़ में। अच्छा।
ऐसा वीडियो बनाते हो ये वापिस पूजन के लिए ले चला दुख जन के लिए। हम आ गए हैं घर और पूजा हमारी हो गई है। मैंने सारे चेंज कर लिए हैं। बहुत भीड़ थी, मतलब इतनी भीड़ हो गई ना हमारे घर जाने के पहले तो नहीं थी इतनी, पर हमारे पूजन करते करते में इतनी भीड़ हो गई कि हमारे को 2 घंटे हो गए। मतलब हम 8 बजे गए थे और अभी 11 बज गए हैं। 10:30 हम निपट गए थे वहाँ से पूजन से। और अभी तो हमें जाना है वापस से कहानी सुनने, तो मैं ये वाली हैवी चुंदड़ को चेंज करके दूसरी वाली पहनने वाली हूँ। और मैंने बहुत ही मतलब सारे निकाल लिए हैं क्योंकि थोड़ा घबरा गई थी मैं भी। चूड़ी तो मैंने कम की है पर थोड़ी रखी है, मेरे को अच्छा लगता है चूड़ियों को ऐसे पहनना। सो ये ड्रेस चेंज मतलब साड़ी चेंज करी है की है और सब चले गए कहानी सुनने। मैं भी अब जा रही हूँ। हमारे पूजन होने के बाद मतलब हम घंटे भर में जब आए वापस तब तक सबके पूजन हो चुकी है और अभी मतलब इतनी भीड़ अब नहीं रही, सिर्फ कहानी सुनने वाले हैं हम। सेवा में हाजिर री जो करो दशा माता री आरती। बारिश आ गई कहाँ पे पड़ी? गुड़ की। हाँ लो। अरे वो तो किधर। तो हमारी फाइनली कथा पूरी हुई दशा माता के आज लास्ट दिन की कथा, जो कि बहुत लंबी चल रही हमारी। मतलब कि हम गए थे कथा सुनने 11 बजे, 11:30 समथिंग, और आए जितने 3 बज गए और वो भी बारिश का मौसम हो गया इसलिए जल्दी जल्दी सब उठ गए थे। और कैसी लगी मेरी मेहंदी की जो मेहंदी बनाई मेरी? आपके यहाँ पर भी ऐसे ही लंबी से चलता है ये दिन? पूरा दिन ऐसे ही होता है या फिर आप जल्दी पूजन करके आ जाते? वैसे पूजन तो हम भी मॉर्निंग में 4:30 समथिंग में भी उठी थी। और फिर सही बताऊँ तो रियलिटी में मेरे को कहानी सुनते सुनते नींद आ रही थी और अब हेडेक हो रहा है। मतलब 4:30 उठे हैं हम सब घर पे और सब लगे हुए हैं कुछ न कुछ काम में। कोई किसी ने आज रेस्ट नहीं किया है लेडीज़ में। ये है छोटा सा व्लॉग दशा माता की पूजन का, जो कि यहीं पर ख़त्म होता है। कैसा लगा ये व्लॉग और कैसे लगे हम सब जो कि रेडी हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।